फेरेसेंगे नीलो फेरेसेंग ब्लॉग में आप लोग का वेलकम है। तो देखिए गाइज, ये है मलाड स्टेशन और ये फर्स्ट डब्बे से आप बैठोगे तो आपको स्टेशन सीधा नीचे लिस्ट में आना है। इसके सामने ही देखिए कृष्णा सुपर सेल है। तो जैसे कि यहाँ से 10 रुपीज़ से स्टार्ट इनका सेल, 10, 20, 30, 40, 50 लेके 10 से मतलब 200 तक का यहाँ का इनका सेल है। तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे भी वीडियो डाला था तो बहुत से कमेंट मुझे आए थे कि मैम आप प्राइस बराबर बताइए। तो यहाँ पे जैसे हर प्राइस का ना इन्होंने लिखा हुआ है, फिर लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा आज आप लोग के लिए वापस से मैं एक वीडियो शेयर कर देती हूँ। तो स्टेशन के बाजू में ही है तो थोड़ी बहुत आवाज़ बहुत आएगी, तो आप लोग थोड़ा इग्नोर करना, माइंड नहीं करना। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अंदर जाते हैं, मैं आपको अंदर आ सारे प्राइस के साथ में चीज़ें बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये है 15 रुपीज़ से हम स्टार्ट करते हैं। ये है ना LED लैम्प है, ये देखिए छोटी सी बहुत प्यारी लग रही है। तो इसका सिर्फ प्राइस है 15 रुपीज़ और इन्होंने मार्कर से इसके यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है। तो ये देखिए आप देख सकते हो USB LED लैम्प है ये। तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ों पे मार्कर से इन्होंने प्राइस लिखा हुआ है, जैसे कि टूथपिक इसका 30 रुपीज़ है, इसको 30 रुपीज़ इन्होंने लिखा हुआ है, ये 20 रुपीज़ है और ये देखिए 10 रुपीज़ है। मतलब इन्होंने हर चीज़ पे मार्कर से लिख दिया है तो किसी को कंफ्यूजिंग ना हो इसके लिए। ये देखिए बर्बिक वाली सीजर है, ये 100 रुपीज़ की है गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ों पे आपको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन्होंने मार्कर से प्राइस लिखा हुआ है। तो देखिए डॉल है, बच्चों की मतलब बच्चों की चीज़ें भी है बहुत सारी यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर इस पर भी 30 रुपीज़ है, यहाँ पर इस तरीके से देखिए शावर कैप है ये देखिए। उसके बाद ब्रश है ग्रीस जो हम करते हैं कुकिंग में यूज़ होती है ये, और बेकर्स लोग के लिए भी बहुत यूजेबल है ये। तो ये है 20 रुपीज़ स्पैचुला, ये 40 रुपीज़ है स्मॉल पैचुला ये। यहाँ पे देखिए कवर है ये 20 रुपीज़ का पूरा पैकेट है। यहाँ पे ये डस्टबिन सेट है देखिए इस तरीके से, ये भी 30 रुपीज़ के है। तो मिनी है छोटे छोटे वाले बहुत ही प्यारे, देखो मिनी डस्टबिन सेट है ये। उसके बाद में यहाँ पर ये सेट है, ये जैसे ब्रश रख सकते हैं हमारे जो भी यूज़ करने की चीज़ें, ये 40 रुपीज़ का पूरा सेट है, ये कवर के साथ में है इन्होंने दिया है तो बहुत ही बेहतरीन है। और ये टूथ ब्रश का कवर है, ये 15 रुपीज़ में है। और यहाँ पे ये दिया है स्पॉन्ज, ये है स्पॉन्ज ये देखिए 30 रुपीज़ में, स्क्रब वाला स्पॉन्ज ये। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने ये स्पॉन्ज दिया है, ये भी 30 रुपीज़ में दिया है इन्होंने देखिए। और यहाँ बेबी डॉल है बच्चों की, ये 400 है। हाँ देखिए, और यहाँ पे जैसे कंटेनर का उन्होंने पूरा सेट लगा हुआ है, तो कंटेनर में भी कैसे जैसे इन्होंने सब पे प्राइस लिखा हुआ है, जैसे 80 रुपीज़ से स्टार्ट है, 80 है, 100 है, फिर यहाँ पे ऊपर देखिए 250 का सेट है वो वाला। उसके बाद में यहाँ छोटे छोटे कंटेनर है, यहाँ पे ये 40 रुपीज़ से स्टार्ट है, 40 है, 25 है इसका, इसका 50 रुपीज़ है। और यहाँ छोटे वाले जो है इसका देखो 25 है, ये 30 रुपीज़ में है, ये 20 रुपीज़ में, मतलब हर एक चीज़ पर इन्होंने मार्कर ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है। ये 450 है, ये 430 है, हर एक का अलग अलग प्राइस है। ये छोटा सा ब्रश है देखिए, ये 30 रुपीज़, ये 20 रुपीज़ है, ये 50 रुपीज़ है, ये 2-in-1 है। ये किचन का सेट है जार का, ये 3 पीस का 120 है। और ये जैसे ये देखिए ये नॉर्मल जार है, ये 40 रुपीज़ से यहाँ पे स्टार्ट इन्होंने रखा है, ये 30 में है। तो सब अलग अलग है और सबका प्राइस अलग अलग है। और यहाँ पे ये इन्होंने दिया है 12 पीस का सेट है, ये छोटे वाले छोटे छोटे कंटेनर है, ये 120 के 12 पीस है इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने उससे थोड़े से बड़े रखे, ये 6 पीस का सेट है, ये 90 रुपीज़ में इन्होंने दिया है। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने ये साइज़ का भी रखा हुआ है, ये 6 पीस का ये भी सेट है। तो देखिए बहुत बढ़िया, देखिए बहुत प्यारा ये। तो ये 120 में 6 पीस है और इसका MRP इन्होंने यहाँ पर दिखाया है 125, ये 120 में दे रहे। मतलब हर चीज़ का अलग अलग प्राइस है, जैसे कि आप आके लेके जाइए आपको पसंद जैसा जो आता है ऐसा। यहाँ पे ये देखिए कोलार्ज वाला बॉक्स है, इसमें 4 पीस का है ये इस तरीके से, इसका 50 रुपीज़ है। यहाँ पे देखिए 10 रुपीज़ का भी ये है छोटा सा, देखिए ये वाला छोटा सा बॉक्स है ये, इसमें आपको छोटी सी ज्वेलरी सी हम जो डेली यूज़ में यूज़ करते वो कैरी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ 15 रुपीज़ वाला भी है। मस्त करने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बस आके हमें अपने हिसाब से देख के परख के लेना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ सारे कंटेनर पे उन्होंने प्राइस लिखा हुआ है मार्कर से, आपको दिख रहा होगा देखो 70 है, 60 है ना, 30 है, 50 है, मतलब सब पे लिखा हुआ है, ताकि अगर
कोई भी क्लाइंट आते हैं दूर से कहीं से भी, तो उन लोगों को मतलब प्राइस पूछने का कोई वो नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है। इन्होंने पहले से लिख के इसलिए रखा है कि ताकि देखे और वो समझ जाए। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ में आए तो वो पूछ लेते, तो वो बोलते देखो उस पर हमने प्राइस ऑलरेडी मार्कर से लिखा हुआ है। यहाँ देखिए 60-80। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे तो ये मसाले जार के डिब्बे है, ये 130-150। यहाँ पे भी अलग अलग वैरायटी है और अलग अलग प्राइजेज है। और ये टिफिन बॉक्स है, एयरटाइट कंटेनर है, इस पे भी इन्होंने सारे पे अलग अलग प्राइस लिखा हुआ है। 90 है, 70 है, 60 है, आप देख सकते हो 120 है। और यहाँ पे ये इस तरीके से पापड़ कंटेनर है, इस पे भी इन्होंने 50 लिखा हुआ है। नीचे बिग वाला जो है कंटेनर, उसके ऊपर 100 लिखा हुआ है, यहाँ 50 लिखा हुआ है। ये बड़े बड़े बॉक्सेस है देखिए, जैसे कि ना दुकानों में जैसे यूज़ होते हैं बड़े बड़े बॉक्स, इसका भी अलग अलग प्राइस है। 250 है, 230 है, 70-80, 130, मतलब सब पे अलग अलग है देखिए इस तरीके से। और ये टेबल्स है देखिए, 120 का टेबल है। तो जैसे कि मैंने आप लोग से गाइस इनकी जो दफ्तरी रोड पे जो सेल थी, मैंने वो भी वीडियो आप लोग से शेयर किया, वही उनकी वो भी इनकी ही सेल है। और ये मलाड ईस्ट में पड़ती स्टेशन के पास ही, 5 फुट की वॉक है सिर्फ, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पे देखिए बिग वाले कंटेनर है सारे, और ये एयरटाइट कंटेनर है, ये 80 रुपीज़ से स्टार्ट है यहाँ पे। और ये बच्चों के लंच बॉक्स है, टिफिन बॉक्स, जैसे कि अभी आप लोगों को पता है स्कूल सारी सबकी चालू हो गई है, तो यहाँ देखिए 130 से स्टार्ट इन्होंने रखा, 120 ऐसे, मतलब अलग अलग है। 100 रुपीज़ कंपोज बॉक्स भी है यहाँ पे, सब अलग अलग प्राइस है। तो यहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादातर बच्चों के सामान, ये सेक्शन पूरा बच्चों का ही है, किड्स के सारे। उसके बाद यहाँ ये पूरा सेक्शन है पूरा किचन का है, यहाँ पे भी सारे के प्राइस अलग अलग है। कि जैसे कि आपको मैं दिखाऊँ केक बता देती हूँ, जैसे कि देखिए ये 30 रुपीज़ का है, फिर ये 40 रुपीज़ के स्पून से, जैसे हम तेल ऑयल कैटली में हम रखते हैं ना जैसे ऐसा, तो ये देखिए 40 से स्टार्ट है। फिर छोटा सा प्यारा सा एकदम छोटा सा लोटा है देखिए, ये 50 रुपीज़ में है। बहुत बढ़िया बढ़िया सामान है। तो यहाँ पर पिलर है, पिलर का प्राइस इसमें यहाँ पर दिया हुआ है 20 रुपीज़ पिलर है ये। और यहाँ पे ये छोटा सा चीज़ खरीदनी है इसका, यहाँ पे इन्होंने लिया 40 रुपीज़। और ये छोटे छोटे एयरटाइट कंटेनर यहाँ पे 60-150-160 इस तरीके से लिखा हुआ है प्राइस। और ये सारे गैजेट जैसे देखिए, ये टिफिन से 2 पीस वाला, और ये स्टैंड है ग्लास का, ऊपर यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के डब्बे है जैसे कि 4 कोलार वाले, यहाँ पे देखिए इसमें 200 का प्राइस लिखा हुआ है इस पर। और वो स्टैंड है इस तरीके से 3 पीस वाले, 150 में। तो यहाँ पे देखिए वुडन्स के सारे स्पून्स है, तो वुडन्स पे स्पून्स पे जैसे कि 90 रुपीज़ है। और ये बेलन है जैसे कि हम रोटी बनाते हैं, वो 60 रुपीज़ में है। और वुडन के स्पून में सारे अलग अलग है, जैसे ये करी वाले, ये 70 रुपीज़ में है, इससे आप प्राइस भी ये कर सकते हो, ये 90 रुपीज़ में, मतलब सब अलग अलग प्राइस है गाइस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे से ये भी पूरे सारे किचन के पूरे सामान हैं जब हम हाउस वाइफ को डेली यूज़ में यूज़ होते हैं। और जैसे कि हम किचन पे भी जैसे स्पून लगाने के लिए, कप बस्सी जो भी हम लगाने के लिए, ये स्टैंड है यहाँ पे, वो भी रखा हुआ है इन्होंने। और यहाँ पे इसका प्राइस 80 है, 80 रुपीज़ में है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 80 रुपीज़, आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको मैं बता देती हूँ एक आध किस तरीके से इन्होंने प्राइस इस पर लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्नर पर, मतलब कहने का मतलब है कि इन्होंने हर चीज़ पर लिखा हुआ है ये प्राइस। और यहाँ पर ये हैंगल्स है देखिए, चाय छनी बहुत ही बेहतरीन है, इसका 70 रुपीज़ है। यहाँ पे देखो 7070 लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये जूसर वाला हमारा लेमन जूस जो हम बनाते हैं जैसे भी गर्मियों का सीज़न है, तो ये 60 रुपीज़ में है ना। तो देखिए गाइस, और ये हमारे सारे कटलरी सामान है यहाँ से, यहाँ पे सारे ये सेक्शन पूरा उन्होंने उसी का ही रखा हुआ है। जैसे छोटी छोटी ट्रेस है, जैसे हम किचन्स में छोटे से मतलब जार्स रख सकते हैं, इसमें डाइनिंग टेबल पे कुछ भी सामान हम रखने के लिए ट्रे रखती है ना, तो वो सारी ट्रे मतलब इन्होंने यहाँ रखा है। स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर सबका अलग अलग है, वहाँ 70 रुपीज़ है वो बिग वाले का, उसके बाद में यहाँ देखिए 150 है, सबका अलग अलग है, 100 है, सबका प्राइस अलग अलग है यहाँ पर रखा हुआ। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रॉलीस है, ये सारी ट्रॉलीस भी यहाँ पर रखा है इन्होंने, ये सबसे बिग वाली ट्रॉली है इस तरीके से। तो गाइस देखिए, आइसक्रीम सेट है पूरा, मोल्डिंग आइसक्रीम का, इस पर MRP लिखा हुआ है 190। और ये वहाँ पे ये दे रहे हैं 120 में, ये देखिए तो बहुत प्यारा लग रहा है। और वाटर बॉटल से यहाँ पे ये 80 रुपीज़ की है, यहाँ पे ट्रे है ब्रो आइस ट्रे, यहाँ पे 100 रुपीज़ से स्टार्ट है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को ट्रॉली बता दिया, ये बिग वाली ट्रॉली है, इसके बाद में ये भी 4 सेक्शन वाली है, ये 3 सेक्शन वाली, सबका अलग अलग प्राइस है। किसी पे 350 लिखा हुआ है, किसी पे 700 लिखा हुआ है, किसी पे 200 लिखा हुआ है, सबका अलग अलग प्राइस है। और ये ट्रे भी देखिए 100 से स्टार्ट है, 100 है, 50 है, 80, 40, मतलब सबका अलग अलग है। इनके सारे सामान है यहाँ,
उसके बाद में यहाँ पे देखिए सब खाने के बड़े बड़े तपेले हैं जिससे हमें डेली यूज में आते हैं। इसका पूरा सेट इन्होंने बना के रखा है, 350, 250, 300, 300 ऐसे अलग अलग, देखिए इस तरीके से। तो ये एल्यूमिनियम के इसमें दो डिज़ाइन में है, एक प्लेन है और एक इस तरीके से, इसको ठस्से वाले बोलते हैं ज़्यादातर, तो ये ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं डिज़ाइन वाले। उसके बाद में यहाँ पे सब स्टील के जो लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है, ये देखिए ये पे 140 का है, मिनी मनी बैंक है ये जैसे मिनी वाला, और जैसे देखिए यहाँ पे इससे भी छोटा है, ये 120 का है, 140 का है, उसके बाद में ये वाला 100 का है। और नीचे यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें, रोटी बनाने का और पतला बेलन है, सैंडविच मेकर है, देखिए इस तरीके से हम टोस्ट सैंडविच बनाते हैं ना, ये वो है देखिए यहाँ पे। तो इसका 160 रुपीज़ इसका प्राइस, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे इसका प्राइस ऐसे इन्होंने लिख के रखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे सब वुडन के पतला बेलन, यहाँ पे कढ़ाई ये सब है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो जैसे कि लास्ट टाइम पे मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम आप प्राइस बराबर नहीं बताए, इसके लिए मैं खास आज इस वजह से यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं आप लोग, इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इन्होंने मार्कर से हर चीज़ पे प्राइस लिखा हुआ है, देखिए इस तरीके से। तो कन्फ्यूज़न होने की कोई उसमें कोई वो नहीं है, डाउट कि आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें यहाँ पर इतना प्राइस है, ये इसका इतना है ऐसा। तो देखिए इस तरीके से। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, और वीडियो फुल वॉच करना, स्किप नहीं करना। और आपको और यहाँ पे देखिए ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, ये नॉन स्टिक वाले सारे तपेले हैं यहाँ पे। उसके बाद में ये कढ़ाई हांडी है, और ये लाइफ टाइम चलने वाली है, मतलब सारी चीज़ें स्टील की, देखिए ये 120 है, 300 है, 250 है। ये सारे टिफिन से यहाँ पे, और सारे डब्बे से कंटेनर यहाँ। उसके बाद में यहाँ पे ये बाउल से सारे छोटे छोटे बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे बाउल है, देखिए इस तरीके से 40 रुपीज़, 25, 30, 25 फिर 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़, सबके अलग अलग प्राइस है, देखिए इस तरीके से। तो गाइस देखिए यहाँ पे फ्लावर पॉट्स से बहुत प्यारे प्यारे, और जैसे कि देखिए मग है, कॉफ़ी मग है, टी मग है, सारे हैं यहाँ पे, ऑयल बॉटल है। तो यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पे ऑयल बॉटल का प्राइस लिखा हुआ है 100, और यहाँ पे 90 रुपीज़, सबके अलग अलग प्राइस है। और ये कॉफ़ी मग के भी सबके अलग अलग प्राइस है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ ये 100 रुपीज़ है इसका, यहाँ पे सबका अलग अलग प्राइस है, ये 150। और ये फ्लावर छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स कितने प्यारे लग रहे हैं, 50 रुपीज़ के हैं, यहाँ देखिए। तो वीडियो फुल वॉच करें, स्किप ना करें, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे सारे बच्चों के स्कूल के सामान है, जैसे कि देखिए 4 पेन्स है यहाँ 25 रुपीज़, और ये पेंसिल्स का बॉक्स है ये 60 रुपीज़, ये कलर किट्स है ये 50 रुपीज़। और यहाँ पे देखिए ये बच्चों के छोटे छोटे टॉयस है खेलने के, एनिमल्स के, रीडिंग करने में बहुत ही यूज़फुल होता है। और यहाँ जैसे 120 का मार्कर से सब, ये देखिए टू शॉपनर 1 रबड़ से, वेजिटेबल्स वाले रबड़ से बहुत प्यारे है ये देखिए 20 रुपीज़ में 4 पीस है ये। यहाँ छोटे छोटे सामान बहुत प्यारे प्यारे, ये वॉशिंग मशीन क्लीन करने की ट्यूब है, इसमें ना वॉशिंग मशीन में पानी भर के इसको एक ट्यूब डाल देने का ये, और अच्छे से मशीन को घुमाने छोड़ देने का तो पूरी डस्ट मशीन की निकल जाती है। इसमें फिर कपड़े नहीं डालना है। ये 10 रुपीज़ का पाउच है ये छोटा वाला, आज ये मैं भी लेके जा रही हूँ, आज मैं भी यूज़ करके आप लोगों को इसका डेमो बताऊँगी इसका किस तरीके से क्लीन होती है, ठीक है। घर का वक्त और यहाँ पे देखिए क्राउड होता ही होता है, और जैसे कि इन्होंने हर चीज़ों पे, हर सामान पे जैसे कि ना MRP से डिस्काउंट करके इन्होंने मार्कर से रेट लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप सब सामानों पे देखोगे ना MRP अलग है और इन्होंने मार्कर से अलग लिखा हुआ है, तो कम प्राइस करके इन्होंने डिस्काउंट करके ही लिखा हुआ है मार्कर से, जैसे कि आपको सामान पर देखने मिल जाएगा। तो यूज़फुल लगती तो जितना हो सके उतना शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, मैं इसके लिए आप लोगों को बार बार मैं भी बता रही हूँ कि जैसे मार्कर से इन्होंने लिखा है तो ताकि आपको कंफ्यूज ना होवे, इसके लिए लास्ट टाइम पे भी मैंने इस तरीके से ही बताया था, फिर भी मुझे कमेंट बहुत आ रहे थे कि मैम आपने ना प्राइस नहीं बताया। तो खास करके मैं प्राइस के लिए आप लोग के लिए आज ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए बहुत ही स्टेशन से 2 मिनट की वॉक है, एकदम पास में ही है, मलाड़ ईस्ट में ही आपको शॉपिंग दिख जाएगी। बहुत बड़ी सेल है, इनकी 2 सेल है, एक इधर एक दफ्तरी रोड पे, उसका भी वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो देखिए यहाँ पे सारे सामान आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं ऑनर का नंबर ऐड कर दूँगी, तो अगर आप लोग दूर से भी आ रहे हो तो आप कॉल करके आ सकते हो। तो चलिए मिलते ऑनर से। तो गाइज ये यहाँ के ऑनर है कृष्णा सुपर सेल के, जो मलाड ईस्ट में, जैसे कि मैंने आपको बाहर से पहले बता दिया। तो भाई आपका नाम? राजेश कुमार। आपका मोबाइल नंबर? 7307309995908।
01 8। तो अगर दूर से व्यूअर्स आते हैं तो आपको कॉल करके आएंगे, ठीक है। तो भाई आपको रिस्पांस कैसा लगा मेरे वीडियो बनाने के बाद में यहाँ पे, आपको कैसा लगा? ग्राहकी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही आपको ग्राहकी बढ़ते रहे। गाइस देखिए, जैसे कि आप लोग ने सुना कि ओनर ने, उन्होंने बोला कि आपकी वीडियो बनाने के बाद से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बढ़ोतरी भी हुई, मतलब ग्राहकी बहुत माशाल्लाह अच्छे से है। तो बहुत खुशी होती है जब हम कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। तो बस मेरी तो यही दुआ रहती है कि मैं जो भी काम करूँ दिल से करूँ और अच्छा करूँ और आप लोगों को भी पसंद आए। तो देखिए बहुत ईजी है, मलाड ईस्ट में ही है, स्टेशन के सामने ही, अब कृष्णा सुपर सेल सामने आपको दिख जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।